हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. मुसाफिर, रितेश, नीरज, टोरसा, विशाल, अविनाश, नीरज, गुड मॉर्निंग. राधे राधे, हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग? हाउ इज एवरीवन डूइंग टुडे? मॉर्निंग वैभव, नीरज, मॉर्निंग. क्विकली शेयर द सेशन एंड द मोर यू जॉइन द बेटर द सेशन इज. तो शेयर शेयर द सेशन एज मच एज पॉसिबल. अमित, तजु, नवल, टोरसा, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, आई एम ऑल गुड, थैंक यू. हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग? Yes, today we are on time. We'll wait for a few more seconds, 10 to 20 seconds more, कि और लोग जुड़ जाएं जो बचे हैं. Let's wait for 30 to 40 more seconds and then we'll begin the session. Okay? Aditya, same to you. A healthy and happy morning to you as well. मॉर्निंग सौरभ, केशव, विजय, मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम टू द सेशन. सो टुडे वी हैव द रेगुलर सेशन जिसमें हम पहले करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर. सीडीएस वाला हम कंटिन्यू करेंगे. ओके, वी आर ऑल डूइंग गुड, दैट्स अमेजिंग. एंड नाउ शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन. हो गया, हार के लोग हो गए. ओके, सो लेट्स बिगिन देन. वील बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. नेम द ऑपरेशन विच वॉज कमिटेड बाय इंडियन नेवी टू ब्रिंग बैक स्ट्रैंडेड इंडियंस इन अब्रॉड. द 55 डेज लॉन्ग मिशन कम्प्लीटेड रिसेंटली. विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है और कौन सी कंट्रीज हैं जिसके अंदर ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था. 5 मई को ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था एंड इट वॉज कंडक्टेड इन अ फ्यू कंट्रीज. तो कौन सी कंट्रीज के अंदर ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था एंड ऑपरेशन का नेम क्या था. इंक्रीज द नंबर ऑफ जीएस क्वेश्चन. सी, अच्छा, आई कैन एड द होल पेपर, आई हैव नो इश्यू, बट द थिंग इज दैट व्हेन द क्लास गोज फॉर मोर देन एन आर, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो जाती है, तो इट बिकम्स क्वाइट ऑफ मोनोटोनस एंड स्टूडेंट्स काइंड ऑफ बिगिन लीविंग. सो इसलिए हम इतनी लंबी क्लास नहीं करते हैं. प्रवीण, शिवम, मुसाफिर, सुरेश, रिंकी, हितेश, ललित, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑप्शन डी, मालदीव्स. एक आंसर आया है फॉर द कंट्रीज. ओके, तो पहले ऑपरेशन का नाम देखते हैं. ऑपरेशन समुद्र सेतु इज द नेम, दैट्स राइट. इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु ऑपरेशन कंडक्ट किया था. 55 डेज लॉन्ग था. 5 मई को ये शुरू हुआ था. वन ऑफ द कंट्रीज वॉज मालदीव्स, दैट इज राइट. और कौन सी कंट्री, कंट्रीज में वन वॉज मालदीव्स. इसके अलावा 2 कंट्रीज और थी एंड दैट वॉज ईरान एंड श्रीलंका. बेसिकली ये 3 कंट्रीज थी. 2 INS मालदीव ईरान में, 1 INS श्रीलंका गया था टू रेस्क्यू द स्ट्रैंडेड इंडियंस. और अगर जगह भी पूछते हैं तो इट वॉज इन द कैपिटल मालदीव्स का माले में, ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट से एंड श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट से इवैक्यूएशन किया गया था. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसरो सेट टू लॉन्च Amazonia 1 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ऑन PSLV. Amazonia 1 सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री. इसरो PSLV पर Amazonia 1 ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च करने होने को तैयार है. Amazonia 1 उपग्रह किस देश के का है या किस देश को बिलोंग करता है. PSLV की फुल फॉर्म क्या है, वॉट डज PSLV स्टैंड फॉर, एंड Amazonia 1 किस कंट्री की सैटेलाइट है. प्रांशु, ओके, आई एड अ फ्यू, बट स्टेट वाइज अभी हम इतना नहीं करते हैं, बट करंट में जो स्टेट में हो रहा है वो हम कवर कर देते हैं मोस्ट ऑफ इट.
आयुष, गौरव, राहुल, प्रोमिथ, काफी टाइम बाद दिखा है प्रोमिथ, हितेश, प्रवीण, हितेश, गौरव, नीरज, ओके वी हैव आंसर्स फॉर ब्राजील, दैट इज राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट फॉर ब्राजील, ऑप्शन सी. ब्राजील की सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेटरी अमेजोनिया वन, और ये क्यों, ये पहली बात फर्स्ट सैटेलाइट है, इट इज द फर्स्ट सैटेलाइट, अमेजोनिया वन ब्राजील की फर्स्ट सैटेलाइट है. एंड अमेजोन फॉरेस्ट, इतने ज्यादा यू नो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अमेजोन फॉरेस्ट में, एंड वेरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज गोइंग ऑन, उन्हीं को ऑब्जर्व करने के लिए ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च की गई है. नाउ आंसर फॉर PSLV, केशव, अंशुल, प्रवीण हैव गिवन द आंसर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज राइट. ब्राजील के प्रेसिडेंट एंड इसरो के डायरेक्टर कौन है, ये भी बताना है. टिल देन आई विल राइट डाउन द फुल फॉर्म फॉर ऑल दोज हु आर नॉट अवेयर. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए यूज की जाती है. PSLV, तो इसरो का PSLV यूज होगा अमेजोनिया अर्थ ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करने के लिए ऑर्बिट में. नाउ प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील एंड इसरो के डायरेक्टर, वृंदा क्लासेस अब रेगुलर हो रही हैं, दे आर रेगुलर एट 11 AM. ओके, जेयर बोल्सोनारो, राहुल, प्रोमिसेस के सिवान, इसरो के सिवान डायरेक्टर, इसरो लॉन्च करेगा, सौरभ, प्रोमित, राहुल, अचो, रवि, वृंदा, ऑल ऑफ यू आर राइट फॉर द आंसर्स. इसरो के डायरेक्टर इज के सिवान एंड प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील इज जेयर बोल्सोनारो. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who authored the book titled His Holiness the 14th Dalai Lama, an illustrated biography? His Holiness the 14th Dalai Lama, an illustrated biography. शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? Who is the author of this biography? दलाई लामा के ऊपर है, 14th दलाई लामा, जिनका एक्चुअल नेम 14th दलाई लामा जो है, उनका एक्चुअल नेम है तेंजिन ग्यात्सो. तेंजिन ग्यात्सो द 14th दलाई लामा का एक्चुअल नेम है. इनके ऊपर बायोग्राफी लिखी गई है, तो ये किसने लिखी है? टॉर्सा, केशव, देवाशीष, सतीश, नीरज, राहुल, अंशुल, टॉर्सा, त्रिलोक, नीरज, रमन, तेज, रवि, वी हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स, सौरभ, सुरेश, केशव, ऑल ऑफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन सी विच इज ऑल्सो द राइट आंसर. टेंजिन गेशे टेटहोंग, जो एडवाइजर भी हैं 14th दलाई लामा के, ही हैज रिटन दिस बुक ऑन द लाइफ ऑफ 14th दलाई लामा. Now, which organization prepared the white paper on focused interventions for Make in India post COVID-19? किस संगठन ने Make in India post COVID-19 के लिए केंद्र हस्तक्षेप पर श्वेत पत्र तैयार किया है? Which organization has prepared white paper for focused intervention of Make in India post COVID-19? Okay, Aman says option C. Devashish, Ambika, option D, option C, Raman C, Anshul, Keshav. Look at the options carefully and then let me know. Ish, Raman, Vranda. What is white paper? Till I'll tell you the answer, what do you mean by white paper? The answer of this question is Technology Information Forecasting and Assessment Council, the option D, which I guess a few of you have chosen as well. So TIFC, Technology Information Forecasting and Assessment Council, jo ek autonomous institute hai, वैसे it is basically autonomous.
इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1988 1988 में ये काउंसिल बनी थी, ऑटोनोमस काउंसिल है, और इसने व्हाइट पेपर तैयार किया है कि COVID-19 के बाद ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट को फोकस करना होगा या लोगों को फोकस करना होगा फॉर प्रमोटिंग मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया प्रमोट करने के लिए COVID-19 एनवायरमेंट और उसके बाद क्या क्या ऐसे फोकस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया खुद कैरी आउट कर सकता है फॉर इम्प्रूविंग ऑफ मेक इन इंडिया, उसके लिए ये व्हाइट पेपर रिलीज किया गया ना। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट पेपर? व्हाइट पेपर नहीं पता? ओके, सो व्हाइट पेपर इज बेसिकली एनी पॉलिसी या एनी कोई भी ऐसा फर्दर फ्यूचर प्लान्स को लेकर के कोई लिस्टेड पेपर अगर रिलीज होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट कोई भी ऐसा पेपर रिलीज करे जिसके अंदर फ्यूचर के लिए प्रपोजल्स हो या फ्यूचर में आने वाला बिल हो, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर, फ्यूचर के प्रपोजल्स, फ्यूचर के बिल्स, आगे आने वाले टाइम के लिए कोई प्लान है, वो सारे जो रिलीज करता है वो व्हाइट पेपर पर रिलीज होते हैं। तो ये बेसिकली एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो फ्यूचर के पॉलिसीज, फ्यूचर के प्रपोजल्स, फ्यूचर के बिल का ड्राफ्ट, वो सब व्हाइट पेपर पर रिलीज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत? किस राज्य ने लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाई कोर्ट ने भारत की पहली ई लोक अदालत का योजना किया? तो फर्स्ट स्टेट जिसने ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज करी वो कौन है? स्तुति, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर जस्ट ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाइट पेपर एनी पॉलिसी फ्यूचर इन विल रिलीज, कविता यस, फ्यूचर पॉलिसी के लिए जो भी लिटिगेशंस हैं, जो भी प्रपोजल्स हैं, वो सारे व्हाइट पेपर पे होते हैं। छत्तीसगढ़, अच्छा, गौरव, प्रमित, अजय, सौरभ, ऋतु, सरफराज, अमित, अक्षय, शिवम, ओके, सो वी हैव आंसर्स फॉर छत्तीसगढ़, दैट इज राइट। छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़? नाउ ड्यू टू द पैंडमिक ई लोक अदालत आज तक अभी तक सिर्फ प्रपोजल्स आए थे, एक्चुअली कंडक्ट नहीं हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ने एक्चुअली ये कंडक्ट करी है। हु इज द चीफ जस्टिस? पी आर रामचंद्र मेनन इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। नाउ विच कंट्री इज द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन यूनाइटेड किंगडम इन 2019? 2019 में यूनाइटेड किंगडम में कौन सा देश सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है और इंडिया इसके अंदर कहाँ स्टैंड करता है, यानी इंडिया का FDI यूके के अंदर कितना है? नो आइडिया। वेल, चीफ जस्टिस थोड़ा सा पता रखना है, बिकॉज ये जो ई लोक अदालत हुई थी इसकी हियरिंग चीफ जस्टिस ने करी थी। नाउ लार्जेस्ट FDI इन्वेस्टर इन यूके और इंडिया इस बार किस पोजीशन पे था? प्रमित, अच्छो, अमित, अर्षिता, नृपेंद्र, ऋतु, शिवम, चौरसा, ओके, सेकंड इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सुरेश, दैट इज राइट। ऑल दोज आर गोइंग विद यूनाइटेड स्टेट्स, बिल्कुल सही, यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे ज्यादा FDI किया, वेयर एज इंडिया की रैंक सेकेंड थी। सेकेंड मोस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड मोस्ट FDI इंडिया का रहा था इन यूनाइटेड किंगडम फॉर 2019। हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ CEO ऑफ BCCI? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या BCCI के CEO के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? Who has recently resigned from the post of CEO of BCCI? Germany third, yes. So, कौन सी कौन है जो CEO of BCCI थे and he has resigned recently? मतलब BCCI ने उसका accept कर लिया है resignation अब।
No, Amit. USA is first and India is second. प्राची, नीरज, करण, अजय, प्रमित, अच्छु, अंबिका, सौरभ, राहुल, संदीप, अमित. ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट दैट टफ. एंड द आंसर इज राहुल जोहरी. राहुल जोहरी का रेजिग्नेशन बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है. ली हाइन लूंग हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. ली सियन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? ली साइन लूंग हैज रिसेंटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं ली साइन लूंग? इस प्रेसिडेंट इज सौरव गांगुली. सौरभ, प्राची, प्रोमित, नीरज, अजय, प्राची, अचो, सरफराज, अमित, हितेश, अमन एंड ऑल ऑफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन डी. दैट इज राइट. सिंगापुर के न्यू प्राइम मिनिस्टर इज ली साइन लूंग. काफी टाइम से ही हैज बीन, मतलब काफी टर्म्स में ही हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर. द 2018 टाइगर सेंसस ऑफ विच कंट्री एंटर्ड इनटू गिनीज रिकॉर्ड बुक एज द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे इन द वर्ल्ड? किस देश की 2018 बाघ गणना ने दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में प्रवेश किया है? यानी उन एनिमल्स, या यू कैन से उन टाइगर को ट्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा कैमराज यूज करने वाला कौन सी कंट्री बन गई है फॉर दी सेंसस ऑफ 2018? अमित, अजय, राहुल, हितेश, सौरभ, सनी, सौरभ, वंदना, सरफराज, अर्षिता. करंटली आई एम नॉट श्योर. सरप्राइज आ जाए तो पता नहीं, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी रिलीज टुडे. कुमार, रितु, रमन, कविता, प्रवीण एंड ऑल ऑफ यू आर गोइंग विद इंडिया. दैट इज राइट. सबसे ज्यादा कैमरा सर्वे के लिए एंड मॉनिटरिंग के लिए इंस्टॉल करने वाला इंडिया है. 2018 का टाइगर सेंसस, इसीलिए अब दोबारा से क्वेश्चन आ सकता है इन ऑल द न्यू एग्जामिनेशंस इफ कमिंग. तो 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग टाइगर कैपिटल वॉज एमपी, विच इज इम्पोर्टेंट. टाइगर कैपिटल, ये सबसे ज्यादा टाइगर्स जो है वो एमपी के अंदर थे एज पर 2018 टाइगर सेंसस. और ये सेंसस जुलाई 2019 के अंदर रिलीज हुआ था. नाउ हु हैज वॉन 2020 दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर डॉक्यूमेंट्री नेम्ड ची लुपो? ची लुपो नाम की डॉक्यूमेंट्री के लिए 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? और ये किसके ऊपर थी, इफ एनी ऑफ यू नो अबाउट इट? अगर किसी को पता है तो ये डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर थी या किसके ऊपर बनाई गई थी? टाइगर सेंसस का पैसेज मेंस 2018 में आया था. पेंच टाइगर रिजर्व इज एन एमपी. प्रमित, नीरज, राहुल, विकास, हितेश, कविता, चौरसा, हर्ष. ओके, सो वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन डी, केजांग, डी थोंगडोक. दैट इज राइट. ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ये अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब के ऊपर थी, जिन्हें जो ट्राइब क्या करती है, द ट्राइब इज फेमस फॉर हनी हंटिंग. और वो ट्राइब कौन सी है, इफ एवर क्वेश्चन कम्स कि ये ट्राइब किस स्टेट के अंदर है, तो ये ट्राइब विच इज नेम्ड शार्प कम ट्राइब,
चर्बडुकम ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश में होती है वो हनी हंटिंग के लिए बहुत फेमस है, और इन्हीं के ऊपर ये ची लुपो ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो अगर पूछते हैं कि शबडम ट्राइब कहाँ की है, तो अरुणाचल की है, और ये किस लिए फेमस है, हनी हंटिंग के लिए, और इनके ऊपर कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, तो ची लुपो इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद रोटरी फाउंडेशन पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन रिसेंटली। रोटरी फाउंडेशन के पॉल हैरिस साथी मान्यता के साथ हाल ही में कौन सम्मानित किया गया है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद रोटरी फाउंडेशन पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन रिसेंटली? ट्राइब एक्चुअली हनी कलेक्ट करता है, बहुत ही रेयर टाइप ऑफ हनी है, एंड द बेस्ट काइंड ऑफ हनी, उसको एक्सट्रैक्ट करना या उसे लेना बहुत टफ है, एंड इस ट्राइब के अंदर कुछ ही लोग बचे हैं जिन्हें ये आता है काम। तो ये ट्राइब, ये जो डॉक्यूमेंट्री थी ये इसीलिए बनाई गई थी कि कितने रिस्क लेते हैं वो लोग इस हनी को पाने के लिए। सचिन, आई एम फॉर CSE नॉट SSC। ओके सुरेश इज हैप्पी टू गेट द स्टेट क्वेश्चन। टोरसा अमित, प्राची, विकास, सौरभ, अमित, करण, अमित। ओके सो वी हैव आंसर फॉर नितिश कुमार एंड एडापडी के पालन स्वामी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, एडापडी के पलाना स्वामी, हु इज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, एंड उन्हें ये रोटरी फाउंडेशन का पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन मिला है। ये रिकॉग्निशन कब दिया जाता है? व्हेन समवन इज वर्किंग फॉर सैनिटेशन को ध्यान में रखने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, ऐसी बेसिक नीड्स के लिए जब कोई वर्क करता है तो उन्हें ये हैरिस फेलो रिकॉग्निशन दिया जाता है ऑफ रोटरी फाउंडेशन। Now, which Indian organization was conferred with Development Marketplace Award 2020 from World Bank Group and Sexual Violence Research Initiative? किस भारतीय संगठन को विश्व बैंक समूह और यौन हिंसा अनुसंधान पहल से डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ये रोटरी फाउंडेशन है, इंटरनेशनल रोटरी फाउंडेशन, वो ये फेलोशिप अवार्ड देता है जो भी पर्सन लार्ज स्केल पे सैनिटेशन के लिए, लोगों की हेल्थ एंड लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए वर्क करता है उनके लिए। सो नाउ डेवलपमेंट मार्केटप्लेस अवार्ड 2020 वर्ल्ड बैंक और सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव ने किसे दिया है? ये बिहार का जो एक बिहार के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट अल्कोहल, जो बिहार के अंदर लिकर बैन हुआ उसका असेसमेंट के लिए लॉन्च किया गया था कि कैसे बैन इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, कितना बेटर आंसर दे रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट किया था एंड उन्हें ये अवार्ड मिला था, एंड द आंसर ऑफ दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने प्रोजेक्ट एल्कोहल रिलीज मतलब किया था, प्रोजेक्ट एल्कोहल जो बिहार के अंदर जब एल्कोहल बैन हुआ था उसकी स्टडी कर रहा था, एंड उस स्टडी के लिए ना डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड दिया गया है। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड एप स्टार 6D रिसेंटली? किस देश ने हाल ही में एपस्टार 6D नाम से दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? सुदीप, अंबिका, प्रोमेज, सुरेश, फारूक, बाउंसर्स। ओके वेल नाउ नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन दिखे तब बाउंसर नहीं होना चाहिए, बस फर्स्ट टाइम बाउंसर्स आर अलाउड। प्रोमेज, अचो, राहुल,
वंदना प्रॉमित सौरभ शिवम, मैंने यूपीपीसीएस नहीं दिया था। हर्षित प्रवीण, ओके वी हैव आंसर्स फॉर चाइना एंड दैट इज राइट। चाइना ने ये एप्सस्टार 60 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है रिसेंटली। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का गीत या सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? हु इज द ऑथर? स्तुति, वैभव, सरफराज, रमन कुमार, हर्ष एंड राहुल, अंबिका, अविनेश। ओके वी हैव अ फ्यू आंसर्स गोइंग विद ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। दैट इज राइट, रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है सॉन्ग ऑफ इंडिया। टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स हैव रीडिस्कवर्ड थी माँ वत्सोनी बटरफ्लाई आफ्टर 61 ईयर्स, वेयर वॉज इट डिस्कवर्ड? वन्य जीव शोधकर्ताओं की एक टीम ने 61 ईयर्स बाद, 61 साल बाद, यप्ति माँ वत्सोनी तितली को फिर से खोजा है, ये कहाँ पर मिली है? एंड रिसेंटली याद हो तो बिगेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया भी मिली थी, तो हु इज द बिगेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया, अगर किसी को याद है, कुछ दिन पहले ही किया है वैसे डिस्कस, तो बिगेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया कौन सी है? एंड यप्ति माँ वत्सनी बटरफ्लाई जो 61 साल बाद दोबारा मिली है, ये कहाँ पर मिली है? सुरेश, ओके सुरेश गोस विद त्रिपुरा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। रमन, सनी, अमित, सार्थक, सतीश, अविनेश। 194 mm की थी सबसे बड़ी बटरफ्लाई, लेकिन ये त्रिपुरा में नहीं थी। यस, बटरफ्लाई सारी रिकॉर्ड्स 2020 में बना रही है। ओके सो आंसर गोल्डन बर्ड विंग गौरव, दैट इज राइट। यस, न्यू बटरफ्लाई जो थी दैट वाज गोल्डन बर्ड विंग, और ये गोल्डन बर्ड विंग जो है ये मिली थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो फीमेल है, गोल्डन बर्ड विंग की फीमेल स्पीशीज, वो बिगेस्ट बटरफ्लाई है। मेल स्पीशीज मणिपुर में है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, त्रिपुरा इज द राइट वन। त्रिपुरा के अंदर ये स्पॉट की गई है। इससे पहले ये मणिपुर में मिली थी, लास्ट सीन इन मणिपुर इन 1958। लास्ट सीन 1958 में थी मणिपुर, एंड अब 61 साल बाद, 61 ईयर्स लेटर, त्रिपुरा के अंदर स्पॉट की गई है। गोल्डन बर्ड विंग का फीमेल स्पीशीज उत्तराखंड में मिली थी, ये बिगेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया बन गई है 194 mm विंग्स स्पैन की वजह से, एंड इसका जो मेल स्पीशीज है वो मणिपुर में ऑलरेडी है। नाउ वी कम टू जीए और जीएस सेक्शन। वेल, न्यूज तो यही कहती है फारूक की बना ली है। तो अब शुरू करते हैं हमारा जीएस सेक्शन या स्टैटिक सेक्शन। तो बी एक्टिव एंड हियर वी बिगिन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा दी थी? ये जो पेपर है, दिस पेपर इज ऑफ सीडीएस, पेपर 2 2019। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास की अवधारणा दी है? फरूक, इट ट्रेवल्स पर जो स्पीशीज हमारे पास ऑलरेडी है, तो जो मेल स्पीशीज है वो ऑलरेडी पहले ही ढूंढी हुई थी, ये वहां पे प्रिजर्व थी, इसका विंग स्पैन इतना नहीं होता है। फीमेल स्पीशीज नई उत्तराखंड में मिली है, ऑल्दो इट ट्रेवल्स, लेकिन जो स्पॉट हुई है वो उत्तराखंड में स्पॉट हुई थी, एंड उसका विंग स्पैन बड़ा है कंपेयर टू मेल। ओके महबूब, ऑप्शन बी, वंदना, विकास, अमन, हितेश, सतीश, फरूक, करण,
नीरज, वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी सही है. महबूब उल हक इज द वन जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का, और इसके ऊपर वर्क अमर्त्या सेन और महबूब उल हक ने मिलके किया था. सो टुगेदर दे वर्क ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स भी मिला था. लेकिन जो आइडिया या कॉन्सेप्ट है वो महबूब अल हक का था, इसीलिए ही इज द वन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स. निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खट्टे फल या सिट्रस फ्रूट का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एन इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स. अंशुल, यस, टेस्टिंग कम हुई है, इट इज गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव नाउ. वाओ, दैट्स अमेजिंग रिकॉर्ड सुरेश. बैक टू द ट्रैक नाउ आई गेस, दोबारा ट्रैक पे आ गए हो. नोबेल प्राइज इन 1998 इकोनॉमिक्स. यस, या ह्यूमन ट्रायल के मल्टीपल फेजेस होते हैं, बट ड्यू टू द यू नो इमरजेंसी क्रिएटेड राइट नाउ, थोड़े बहुत ट्रायल्स में रिलैक्सेशन दे दिए गए हैं. सर्टेन रिलैक्सेशन हैव बीन गिवन, क्योंकि एट प्रेजेंट बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है इसकी. Now, answer for this option D maybe option A. Okay, the right answer is option B, Mediterranean region and USA accounts to 70% citrus fruits. 70% citrus fruits Mediterranean region और USA में होते हैं, लेकिन largest producer citrus fruits का largest producer ब्राजील है. तो ब्राजील में सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स ग्रो होते हैं, लेकिन अगर अमाउंट करें कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा ग्रो होते हैं, तो मेडिटेरेनियन एंड यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स ग्रो होते हैं. नेक्स्ट, विच प्रोविजन ऑफ यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट इन इंडिया फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ हिज ऑफिस. भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान प्रदान करता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे? यानी अपने डिसीजंस को उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना है किसी भी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट के अंदर. ही डज नॉट हैव टू एक्सप्लेन हिज डिसीजन. ये किस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर है? गुड मॉर्निंग सिबा नारायण नायक. मॉर्निंग. सौरभ, अंशुल, वी आई के, कुमार, अमन, सौरभ, टॉर्सा, वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन सी, आर्टिकल 361. 361 लग रहा है क्योंकि सबने आंसर वही दिया है. रूप वृंदा, ओके, सो वी हैव अ फ्यू आंसर्स नाउ, एंड यस, 361 इज द राइट आंसर. अनुच्छेद 361, 361 या आर्टिकल 361 इज द वन जहां पे स्पेसिफाइड है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, किसी भी स्टेट के गवर्नर एंड प्रेसिडेंट दोनों अपनी पावर्स अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी पावर्स यूज कर रहे हैं, तो उन्हें किसी भी कोर्ट में जवाब नहीं देना है कि वो सर्टेन डिसीजन क्यों कर रहे हैं. अनटिल एंड अनलेस कोई कमिटी बनाई जाती है बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट अगर कोई कमिटी बनाता है उसको रिव्यू करने के लिए, तो दैट इज अलाउड, लेकिन कोर्ट को आंसर करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है. तो ये प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए है, और दोनों के लिए सेम आर्टिकल है, आर्टिकल 361. नाउ विच लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. कौन सा कानून बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? Which of the following law states that all proceedings of Supreme Court shall be in English language? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, एंड दैट वॉज अबाउट कि
अगर कोई प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में किसी रीजनल लैंग्वेज में होती है तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में अवेलेबल होना चाहिए, ये किस आर्टिकल में है? एलिमिनेशन मेथड, आई लाइक दैट, समवन नोज हाउ टू यूज इट. सो नाउ विच लॉ प्रिस्क्राइब्स की सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी सुप्रीम कोर्ट की? अंबिका, गौरव, रमन, वंदना, हर्षित, बुलतई, टॉर्सा, क्विक आंसर्स. सुदीप, गौरव, सतीश, ओके, सो वी हैव अ फ्यू आंसर्स ओवर हियर. द राइट आंसर इज आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 348, भारत के संविधान का. इसके अंदर स्पेसिफाइड है कि सुप्रीम कोर्ट की सारी हियरिंग्स या प्रोसीडिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, एंड इसी के अंदर लिखा है कि हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई भी प्रोसीडिंग रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल होती है तो रीजनल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन इंग्लिश के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, दैट हैज टू बी ट्रांसलेटेड इन द लैंग्वेज इंग्लिश. नेक्स्ट, a total number of members in Union Council of Ministers in India shall not exceed what? भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं होगी? The Union Council of Ministers जो है उनमें उनकी strength कितनी होती है? Suresh, how come you know the answer but you can't answer it? Why so? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस लिमिट तक होते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ कैप ऑन यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? राहुल, गौरव, सनी, गोपाल, 15% तो बहुत जगह पे है, तो प्रॉपर स्टेटमेंट कौन सी होगी? गोपाल, अंशुल, राहुल, वी हैव आंसर्स फॉर ऑप्शन डी एंड यस दैट इज द राइट वन. 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं उसका 15% से ज्यादा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं. नेक्स्ट, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेफर्स टू बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट? बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या है? इस लक्ष्मीकांत हेल्प्स हियर अ बिट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट क्या? इजी क्वेश्चन है ये तो. टोरसा, हर्षित, ललित, अविनेश, ललित, अंबिका, आयुष्मान. ओके, सो वी हैव अ फ्यू आंसर्स विच आर गोइंग विद ऑप्शन डी, स्टेट ऑफ कंडेंस्ड मैटर. नहीं, संदीपन, हर्षित, वेल द राइट आंसर इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बेसिकली सिक्स स्टेट्स है मैटर की. तो एक तो सॉलिड, लिक्विड, गैस. फिर प्लाज्मा, फिर बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. ये फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर है. सिक्स्थ स्टेट भी डिस्कवर हुआ था, रिसेंटली डिस्कवर्ड था. सिक्स्थ स्टेट इन 2019 इट वाज डिस्कवर्ड एंड आई कांट सीम टू रिकॉल द नेम. फॉर एनी ऑफ यू रिकॉल्स यू कैन टेल. सिक्स स्टेट्स होती है मैटर की एंड आई कांट सीम टू रिकॉल द सिक्स्थ वन. इफ यू नो do tell in the comment section. The rate of evaporation of liquid does not depend upon what? तरल के वाष्पीकरण का दर निर्भर किस पर नहीं करता है? इनमें से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है? रेट ऑफ इवेपोरेशन इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता? एनसीईआरटी की बुक में सिक्स्थ मैटर नहीं है. सिक्स्थ मैटर जो है वो अभी 2019 में ही डिस्कवर हुआ है. आई थिंक इन अर्ली 2019, आई थिंक अप्रैल से जुलाई के बीच में, ऐसे अर्ली में हुआ था. तो सिक्स्थ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ आइडनबर्ग में था. एग्जैक्टली, बट आई कांट कॉल रिकॉल द नेम. हर्षित, यस, यूनिवर्सिटी ऑफ आइडनबर्ग ने डिस्कवर किया था उसे.
आयुष्मान, सतीश, गौरव, संदीपन, नीरज, अमित, मास, दैट इज राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट. इसका मास या द्रव्यमान, इट्स मास या इसका द्रव्यमान जो है उस पे इवेपोरेशन डिपेंड नहीं करता है. टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा, या वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा जितना टेम्परेचर होगा. सरफेस एरिया और टू द एटमोसफेयर, जितने चौड़े बाउल में आप रखेंगे पानी गर्म होने के लिए उतनी जल्दी वो गायब होगा, या उतनी जल्दी वो इवेपोरेट होगा, या वाष्प में उतनी जल्दी कन्वर्ट होगा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा. एंड जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा. तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, सरफेस एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी का इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ व्हाट. रदरफोर्ड का अल्फा कण पतली सोनी सोने की पन्नी पर बिखरने का प्रयोग था, जिसकी खोज वह किसकी खोज के लिए जिम्मेदार था, या क्या हुआ था. ये तो मैंने बहुत कराया था एक्चुअली. आई इट्स जस्ट दैट आई इट्स नॉट द करेक्ट टाइम, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, अदरवाइज मैंने बहुत बार याद कराया था वो सिक्स स्टेट ऑफ मैटर. तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या डिस्कवर हुआ था. फारूक, राहुल, अमित, सानू, नीरज, हर्षित, सतीश, मृदुल, अमित सिंह, अमित शर्मा, चौरसा, आदित्य कुमार. ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स. द राइट आंसर इज एटॉमिक न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल डिस्कवरी से. कैसे हुई थी या व्हाट वाज इन दिस, इट वाज कि वो गोल्ड फॉइल ऐसे लगाई गई थी, बीच में एन एटम वाज केप्ट या अल्फा पार्टिकल वाज केप्ट. यहां से जब स्ट्राइक कर रहे थे तो एवरीथिंग वाज गोइंग स्कैटर्ड, सब चीज स्कैटर्ड हो रही थी, लाइट जो थी वो स्कैटर हो रही थी. वेर एज एक पॉइंट ऐसा था इन द सेंटर समवेयर, थोड़ा सा बीच में, जहां से वो रिवर्स हो रही थी. तो दिस लीड टू द डिस्कवरी कि बीच में एक ऐसा मास है जो रिफ्लेक्ट करता है, एंड दैट वॉज हाउ एटोमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय परिवहन है. स्टेटमेंट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर. ओके, सो दिस इज द डिटेल्ड क्वेश्चन. यस, ओके ओके, सो वी हैव अ फ्यू आंसर्स विच गो विद ऑप्शन सी राइट नाउ आफ्टर रीडिंग केयरफुली, एंड यस दैट इज द राइट वन. अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, जो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा उसे जबरदस्ती भेजा जा रहा है. तो अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी लगा के उसे धक्के मार के जब भेजा जाएगा, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. सो ऑप्शन सी इज राइट. नाउ ऑप्शन बी गलत क्यों है, बिकॉज विदाउट यूज ऑफ एनर्जी नहीं होगा. किसी को अगर उसकी मर्जी के खिलाफ भेजेंगे तो ये रिक्वायर द एनर्जी. ए ऑप्शन गलत क्यों है, यूज ऑफ एनर्जी तक सही है, फ्रॉम रेस्पिरेशन, वी डू नॉट स्पेसिफाई कि कहां से एनर्जी आ रही है. ठीक है, एंड ऑप्शन डी गलत क्यों है, अलोंग द डिफ्यूजन ग्रेडियंट नहीं है, अगेंस्ट द डिफ्यूजन ग्रेडियंट है. देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट वन. सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर जो अभी, हाँ, द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर रिसेंटली डिस्कवर्ड, विच आई वॉज सेइंग दैट वॉज
चेन मेल्टेड स्टेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ आइडनबर्ग में डिस्कवर हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ आइडनबर्ग के रिसर्चर्स ने जो न्यू स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर किया था वो था चेन मेल्टेड स्टेट। दिस वाज द नेम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद व्हाट? प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल के साथ क्या जुड़ा है या किस चीज से जुड़ा है? व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद क्लोरोफिल इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया? क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। अंशुल नो, आई हैव नो रिलेशन टू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। नो, आई एम नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद इंजीनियरिंग। मृदुल, सतीश, हर्षित, सुदीप, वी आई के, सोनी, टोरसा। ओके, सो वी हैव अ फ्यू आंसर्स जो प्लास्टिड्स के साथ जा रहे हैं। प्लास्टिड्स के साथ यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर इट इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। तो प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेनस वेसिकल्स एंड यूकैरियोटिक में प्लास्टिड्स। यूकैरियोटिक यानी कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल है या प्लांट सेल है उसके अंदर प्लास्टिड से एसोसिएटेड होता है, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यानी किसी बैक्टीरिया से एसोसिएटेड है तो वो मेम्ब्रेनस वेसिकल या झिल्लीदार पुटिका से एसोसिएटेड होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नो नॉट द लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फीचर ऑफ बोथ यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के निम्नलिखित रूपों में से किस में एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हैं? और यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है? तो क्विक आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दोनों किसके अंदर प्रेजेंट है और इन दोनों का मतलब क्या है? राहुल, वी आई के, हर्षित, अविनेश, नीरज, नवेज, अंबिका, अंशुल, सतीश, फारूक। Your answers for option C and that is actually the right answer. क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनिटरी और फेडरल दोनों कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि इन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशलिटी क्या है। पहले आते हैं यूनिटरी में। यूनिटरी के अंदर एवरीथिंग इज सेंट्रल, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। सो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, इट्स ओनली सिंगल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल यूके ले सकते हो, यूनाइटेड किंगडम इज अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, तो वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। फेडरल के अंदर क्या होता है? फेडरल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई सी कंट्री के अंदर स्टेट्स हैं तो वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने डिसीजंस अलग ले सकते हैं, सेंट्रल अलग होती है। तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से अलग है, दोनों अपने डिसीजंस अलग अलग ले सकते हैं। तो सेंट्रल एंड स्टेट अलग अलग हैं तो वो फेडरल है, विच इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ द थर्ड वन इज क्वासी फेडरल जो इंडिया के अंदर है। इंडिया इज एन एग्जाम्पल जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट होती है, देयर इज स्टेट गवर्नमेंट फॉर सर्टेन डिसीजंस, लेकिन साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है विच हैज अ प्रोमिनेंट कंट्रोल। ठीक है, तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा है, खुला नहीं छोड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है स्टेट गवर्नमेंट को भी। तो क्वासी फेडरल
इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। तो ये तीन तरह की गवर्नेंस होती है कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी, फेडरल एंड क्वासी फेडरल। एंड आई होप यू आर क्लियर विद दिस वन। अब क्लियर है तीनों कॉन्सेप्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री। बहुत ही इजी क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो इंटरनेशनल बाउंड्री, और बाकी स्टेट्स की कौन सी कंट्री के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है? तो इनमें से एक है जिसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट्स की इंटरनेशनल बाउंड्री है। सो किस कंट्री के साथ है? यस फरूक, इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वासी फेडरल। डिक्टेटरशिप इज व्हेन सिंगल पर्सन हैज द पावर। एक पर्सन के पास पावर है तो डिक्टेटरशिप है। करूक, अमित, अंशुल, सौरभ, हर्षित, हितेश, विकास, ललित, सानू, संदीपन, वंदना, सुरेश, सुदीप। ओके, सो वी हैव आंसर्स फॉर छत्तीसगढ़ एंड दैट इज राइट। छत्तीसगढ़ का कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। बिहार की बाउंड्री इज विद नेपाल, उत्तराखंड नेपाल, मेघालय इज विद बांग्लादेश, एंड छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर। सो विद दिस वी वाइंड अप द सेशन ऑफ द डे। फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स जो आज पहली बार जुड़े हैं, क्लास इज एवरी डे एट 11 AM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। फॉर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय शिमा शुक्ला, एंड फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। And with this, we wind up the session. Thank you so much for being with us and have a great day ahead.